यस चलिए, तो देखिए सिंपल सी चीज है, तीन फैक्टर्स, इसको मैं डिटेल में बाद में इसको डिटेल रीड कर लेंगे अपन, पहले फैक्टर्स रीड कर लेते हैं। थ्री मेजर फैक्टर्स आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल एसोसिएशन प्रोसेसिंग, विच इज सपोर्ट वैल्यू, कॉन्फिडेंस वैल्यू एंड लिफ्ट वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या है, सपोर्ट वैल्यू, कॉन्फिडेंस वैल्यू एंड लिफ्ट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अपन सपोर्ट वैल्यू पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म सपोर्ट वैल्यू? तो सबसे पहली चीज, सपोर्ट क्या है? सपोर्ट यानी कि सपोर्ट देना, हेल्प देना, है ना। इसी तरीके से सपोर्ट इज द वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और हाउ फ्रीक्वेंट एन आइटम अपियर्स इन द डेटा सेट। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन टी दैट कंटेन्स द आइटम सेट एक्स। इफ देर आर एक्स डेटा सेट देन फॉर ट्रांजेक्शन टी इट कैन बी रिटन एज एक्स बाय टी। दिस इज मिसिंग इन दिस प्रेजेंटेशन, फिगर मिसिंग हो गया होगा, एक्स बाय टी। ठीक है, हमने बोला कि हमारे को सपोर्ट वैल्यू क्या होती है किसी भी आइटम सेट की? सपोर्ट वैल्यू होती है कि कोई भी आइटम उस डेटा सेट में कितनी बार अकर हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट वैल्यू क्या होती है? हाउ फ्रीक्वेंटली एन आइटम अपियर्स इन द डेटा सेट। ठीक है, सपोज मैंने बोला ए मेरा आइटम है और मेरे डेटा सेट है टी। ठीक है, टी मेरा पूरा का पूरा डेटा सेट है, तो मुझे ए का सपोर्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट डज इट मीन्स, ए की सपोर्ट वैल्यू कि मेरे इस डेटा सेट में ए कितनी बार अकर हो रहा है। सपोज आई हैव अ डेटा सेट ऑफ अमेजोन, ठीक है, या डीमार्ट का मेरे पास एक डेटा सेट पड़ा है, मेरे पास तीन चार कस्टमर्स का डेटा सेट पड़ा हुआ है। ठीक है, तीन चार कस्टमर्स का डेटा सेट पड़ा है, तो मुझे उसमें से देखना है कि ए मान लीजिए प्रोडक्ट है एक, मान लीजिए मिल्क है ए प्रोडक्ट हमारा, मुझे उसमें देखना है कि मेरे इस डेटा सेट में अलग अलग कस्टमर्स ने कितनी बार मिल्क को लिया है, खरीदा है, मिल्क खरीदा है। ठीक है, दैट इज इट्स सपोर्ट वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपकी कार्ट में मान लीजिए तीन कार्ट सब सब जाते हैं, रिलायंस फ्रेश सब जाते हैं, तो कार्ट में लेके घूमते रहते हैं कार्ट को, कार्ट में मान लीजिए सपोर्ट वैल्यू क्या है कि आपकी डेटा उस पूरी की पूरी कार्ट में कोई एक आइटम कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए बिस्किट्स हैं तो तीन चार पैकेट्स, कितने, चार पैकेट्स हैं, या कोई आइटम है तो एक ही आइटम है, राइट, फाइन। तो आपको उसकी बेसिकली अकरेंसी देखनी है। सपोर्ट वैल्यू क्या होती है कि उस डेटा सेट में वो कितनी बार अकर हुआ है, हाउ फ्रीक्वेंटली एन आइटम अपियर्स इन द डेटा सेट। ठीक है, हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लीजिए हमारा एक्स डेटा सेट है, देन फॉर ट्रांजैक्शन टी, उस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में एक्स बाय टी मेरी सपोर्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आप अगर इसको लाइव एग्जांपल से माने, अगर मेरा मान लीजिए एक डेटा सेट है जिसमें 1 2 3 4, ठीक है, ये फर्स्ट है, डी टू में अपन डाल देते हैं 1 2 3 और डी थ्री में हम डाल देते हैं 1 एंड 2। ठीक है, तो ये तीन आपके पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन है, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन में अलग अलग वैल्यू वो होते हैं, पूरा का पूरे शेड्यूल में अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं। उसी तरह हमारे पूरा एक डेटा सेट है। अब डेटा सेट कैन बी कंसिडर्ड ऑफ मल्टीपल डेटा आइटम्स और इट कैन बी कंसिडर्ड ऑफ ओनली वन डेटा सेट। ठीक है, ये मुझे डेटा वेयरहाउस हम पढ़ चुके हैं, डेटा बेसिस हम पढ़ चुके हैं, तो ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। इसमें एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा डेटा सेट भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू आर एक्सेसिंग। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3। अब अगर मैं 1 की सपोर्ट वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये तीनों में अकर हो रहा है, तो 3 कितनी बार अकर हो रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एक्स बाय टी डेटा सेट अपॉन नो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर मुझे 4 का सपोर्ट वैल्यू निकालनी है तो आई कैन बी कितनी बार अकर हो रहा है, 1 टाइम अकर हो रहा है, और कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, 3। तो इसकी सपोर्ट वैल्यू क्या हो गई, 1/3। ठीक है, तो हम इसकी सपोर्ट वैल्यू सिंपली एक्स बाय टी रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। एक्स क्या है कि आपका डेटा सेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एक्स आपका डेटा आइटम जिसको आपको अकर की वैल्यू चेक करनी है कि कितनी बार अकर हो रहा है हमारे डेटा सेट्स में, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन।
ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई आपको पूछेगा नहीं कि आपको फाइंड करके देनी है, आपको डेटा माइनिंग इतने डिटेल में नहीं जाना। एमएससी में आपके पूरी एल्गोरिथम्स हैं, एमएससी में होती हैं एल्गोरिथम्स पूरी, और उसका पूरा डेरिवेशंस होता है। यहाँ पे सिंपल आपको ये पता रखना है कि सपोर्ट वैल्यू क्या होती है। तो सपोर्ट वैल्यू क्या होती है, सिंपली कोई भी डेटा आइटम अपने डेटा सेट में कितनी बार अकर हुआ है, ठीक है। सपोर्ट वैल्यू इज व्हाट एन आइटम, हाउ मच फ्रीक्वेंटली एन आइटम अपीयर्स इन द डेटा सेट, फाइन। नेक्स्ट यू हैव इज कॉन्फिडेंस। तो सपोर्ट वैल्यू समझ आ गई आपको, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आता है कॉन्फिडेंस। नाउ कॉन्फिडेंस इज व्हाट, कॉन्फिडेंस यानी कि हमको पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि ये चीज सही होगी, समवट लाइक दैट, ठीक है, ट्रस्ट। तो कॉन्फिडेंस वैल्यू भी डेटा माइनिंग टेक्निक में, एसोसिएशन टेक्निक में क्या होती है, कॉन्फिडेंस इंडिकेट्स हाउ ऑफन द रूल हैज बीन फाउंड टू बी ट्रू, ठीक है। हमने सपोर्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम कोई रूल सेट कर देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कर देते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट, अगर किसी प्रोडक्ट की आइटम की सपोर्ट वैल्यू है बी के साथ में, ठीक है, कोई अगर ए ले रहा है तो वो बी भी परचेस करेगा, या ए ले रहा है तो वो बी एंड सी दोनों आइटम परचेस करेगा, या फिर ए ले रहा है तो वो डी आइटम परचेस करेगा। दीज आर व्हाट, दीज आर सपोर्ट रूल्स, ठीक है। सपोर्ट अल्गोरिथम हमारे डिटेल में नहीं है, इसकी वजह से सपोर्ट वैल्यू तो सिंपल आइटम सेट कितनी बार अकर हो रहा है इसके अकॉर्डिंग ना हम रूल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। हर आइटम की सपोर्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम रूल्स जनरेट करते हैं कि कौन से आइटम्स के साथ में कौन से दूसरे आइटम उसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। ए के साथ बी कनेक्टेड है या बी एंड सी कनेक्टेड है, कौन से आइटम्स कनेक्टेड हैं। तो कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस वैल्यू ये है कि इन रूल्स में से कौन सा आइटम सही ट्रू फाइंड किया गया, ठीक है। मान लीजिए हमने अब फोर्थ कस्टमर को एनालाइज किया है, और फोर्थ कस्टमर ने बिल्कुल सही, हमारा ये अजम्पशन रहा है, उसने ए आइटम के साथ बी भी ले लिया एंड सी भी ले लिया, तो दिस इज द कॉन्फिडेंस वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रूल, ठीक है। एसोसिएशन में दो वैल्यूज हम जनरेट करते हैं, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। सपोर्ट तो सिंपल उसकी अकरेंसी हो गई, जिसकी हेल्प से हम ये रूल्स जनरेट करते हैं कि कौन सा आइटम्स किस दूसरे आइटम से कनेक्टेड कर दिया गया है। एंड कॉन्फिडेंस वैल्यू क्या है, सिंपली वो रूल्स जो ट्रू पाए गए, जो सही पाए गए, एनी रूल्स विच फाउंड टू बी ट्रू, ठीक है। ऐसे रूल्स जो बिल्कुल सही पाए गए, जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट कस्टमर्स हैं वो उन्होंने रियली में ए के साथ बी ही खरीदा है, या ए के साथ डी खरीदा है, या बी एंड सी दोनों खरीदे हैं, ठीक है। तो ऐसे रूल्स जो सही पाए गए, दैट फाउंड टू बी ट्रू, आर नोन एज इट्स कॉन्फिडेंस वैल्यू, ठीक है। किस तरीके से फाइंड की जाती है ये डिटेल डेप्थ में हम नहीं है, बस आपको सिंपल जो याद में रखना है वो यही रखना है कि सपोर्ट वैल्यू क्या है, कॉन्फिडेंस वैल्यू क्या है। सपोर्ट वैल्यू उसकी अकेरेंसी, कॉन्फिडेंस ऐसे रूल्स जो बिल्कुल सही पाए गए, दैट फाउंड टू बी ट्रू, सिंपली, फाइन। और हाउ ऑफन द आइटम एक्स एंड वाई अकर टुगेदर इन द डेटा सेट व्हेन अकेरेंसी ऑफ एक्स इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है। या फिर उसकी कॉन्फिडेंस वैल्यू हो सकती है, एक तो सिंपली के कौन कोई रूल अगर सही पाए गए ये हो सकता है, या फिर हम एक्स एंड वाई की अकेरेंसी चेक करें कि कितनी बार दोनों के दोनों बिल्कुल आपके डेटा सेट में साथ में अकर हुए हैं, ठीक है। वही चीज की आपने जो भी रूल्स बनाए हैं एक्स एंड वाई के, कंबाइंड रूल जो आपने बनाया है, दैट इज सस्टेन टू बी ट्रू, वो सही पाया गया है, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ ट्रांजैक्शन दैट कंटेन एक्स एंड वाई टू द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कंटेन्स ओनली एक्स, ठीक है। ये किस तरीके से पाया, ये क्या वैल्यू है, इतना डेप्थ में नहीं है, बट स्टिल वी कैन से दैट अगर आपको एक्स की कॉन्फिडेंस वैल्यू निकालनी है तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ अकरेंसी उसकी कितने आइटम्स के साथ में हुई है, एक्स यूनियन वाई अपॉन ओनली एक्स, ठीक है। हम x की अगर कॉन्फिडेंस वैल्यू आपको निकालनी है तो जितने भी दूसरे आइटम्स हैं उसके साथ में उसकी कितनी अकरेंसी हुई है अपॉन ओनली x की कितनी अकेली अकरेंसी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी कॉन्फिडेंस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट वैल्यू क्या थी हमारी, सिंपली x बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन था, अगर रेशो से डिफाइन करना है तो। और कॉन्फिडेंस वैल्यू क्या है, आपके उसका यूनियन वैल्यू कितना वो सारे एलिमेंट के साथ में अकर किया गया है अपॉन अकेला कितनी बार अकर किया गया है, वो वैल्यू आ जाती है हमारी कॉन्फिडेंस वैल्यू, गॉट इट।
ठीक है, यस, इसमें किसी को कोई तरीके का डाउट है, नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस अगर वापस बताना है तो। आई होप समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं है। ठीक है, आई विल डिलीट दिस प्रेजेंट दिस दिस स्लाइड। ठीक है, लिफ्ट वाला सेगमेंट आप रहने दे सकते हैं डेटा माइनिंग में, क्योंकि अभी डेटा माइनिंग नया टॉपिक इंक्लूड हुआ है, राइट? तो लिफ्ट वाला पैक सेगमेंट आप नहीं भी पढ़े तो चलेगा, क्योंकि एल्गोरिथम्स नहीं पढ़ी हैं अभी अपन ने। तो लिफ्ट की वैल्यू ही जब तक हम निकालना नहीं जानेंगे, तब तक हम उसकी वैल्यूज को कंपेयर कैसे करेंगे, राइट? जब तक आपको लिफ्ट की वैल्यू निकालनी नहीं आती कि लिफ्ट की वैल्यू 1 कैसे आई, 1 से ज्यादा कैसे आई, 1 से कम कैसे आई, तो जब तक आपको लिफ्ट की वैल्यू निकालनी नहीं आती, तब तक आप उसके कॉन्सिक्वेंट को किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो राइट, लिफ्ट कर आप रहने दे सकते हैं। सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस दो एसोसिएशन के की पॉइंट हैं। सपोर्ट वैल्यू सिंपल उसकी अकरेंसी, एंड कॉन्फिडेंस उसकी अकरेंसी के बेसिस पे आपने जो भी रूल्स फाइंड करे हैं वो रूल्स आपके कितने सही पाए गए हैं। ठीक है, हाउ ऑफन द रूल्स फाउंड टू बी ट्रू, ठीक है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस वैल्यू। एंड सपोर्ट की कितना उस वो आइटम सेट उस पूरे डेटा आइटम में कितनी बार अकर हुआ है, राइट? ठीक है, लिफ्ट वैल्यूज आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, तो दिस वॉज योर एसोसिएशन, कि किस तरीके से एसोसिएशन सबसे पहला क्या होता है, फिर हमने देखा कि किस तरीके से आप एक एग्जाम्पल के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से एक्चुअली में एसोसिएशन रूल काम करता है। इन दो वैल्यूज पे काम करता है, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस पे काम करता है। ठीक है, लिफ्ट आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आई विल अपडेट द अपडेटेड फाइल में, जिसमें डिलीट कर दूंगी ये वाला स्लाइड, एंड उस प्रेजेंटेशन को अपडेट कर देंगे। ठीक है, यस, किसी को कुछ पूछना है इतने सेगमेंट में तो पूछ लीजिए, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टेक्निक पे, विच इज क्लासिफिकेशन। ओके, चलो ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट टेक्निक है हमारी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे देखो, सिंपल ट्री के सेगमेंट में तुम क्लासिफाई करेंगे, राइट? इसका नेक्स्ट टॉपिक तुम पढ़ेंगे, किस तरीके से एक्सएमएल में हम एक्सएमएल ट्री बना के इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज अ डेटा माइनिंग फंक्शन दैट असाइन आइटम्स इन अ कलेक्शन टू टारगेट कैटेगरीज और क्लासेस। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने जैसे कोई भी ग्रुप्स क्रिएट कर लिए। पहले तो हमने ह्यूमंस का ग्रुप क्रिएट किया, मेल फीमेल, ठीक है। अब उसमें भी हमने अलग ग्रुप किया, बिलो 16, 16 से लेकर 25 तक का एज ग्रुप एंड 25 के अबव। मेल में भी दो ग्रुप्स बना लिए, 20 से बिलो एंड 25 के अबव, राइट? अब इसमें भी हमने वेरियस ग्रुप्स बना लिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ योर वेरियस आइटम्स, राइट? अभी मैंने बोला कि अगर मुझे फोन लेना है तो मेरे फोन्स के अलग सेगमेंट हैं, एक तो 10 से 17 के का तक का, एक बिलो 10 तक का, और एक 17 एंड अबव तक का सेगमेंट है। अब यहाँ पे भी मेरे को अगर कंपनीज में पार्टीशन करने हैं, कंपनीज में फिल्टर्स लगाने हैं, सैमसंग कंपनी, रियलमी कंपनीज एंड अलग अलग कंपनीज के अगर फिल्टर्स लगाने हैं, तो आप उसको भी एक कलेक्शन, एक ग्रुप में डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली गोल ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द टारगेट क्लास फॉर ईच केस इन द डेटा। हमारा गोल क्या है कि हम एक्चुअली प्रिडिक्ट कर लें कि एक्चुअली कस्टमर कौन से एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास नहीं होते फिल्टर्स, अमेजोन में फिल्टर्स नहीं होते कि हम 10 के तक का फोन नहीं डालते। ठीक है, अगर फिल्टर के ऑप्शन में आपको नहीं ऑप्शन मिलता कि मुझे 10K तक का फोन चाहिए, तो आपके पास क्या होता है, आप सर्च ऑप्शन में जाते, आपको सारे के सारे मोबाइल फोन्स की रेंज मिल जाती। तो क्या आप अपने आपका बजट तो था ही नहीं इतने हैवी फोन्स का, और वही फोन पहले आते हैं जो ज्यादा एक्सेसिबल होते हैं, राइट? इट्स अ सर्च एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, तो वो फोन पहले आए, आपको ये फोन चाहिए नहीं था। तो हमने बेसिकली एज एन ओनर ऑफ दिस वेबसाइट, मैंने अपने कस्टमर का माइंड सेट, जो मेरा मेजर टारगेट था कि कस्टमर को मेरा फोन दिलाना ही है, तो मैं वो टारगेट अकम्प्लिश नहीं कर पाई। इसलिए मैंने क्या किया, कस्टमर के माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो भी उसको डेटा एक्सेस करना था ना, मैंने उसको क्लासिफाई कर दिया इनटू डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, इनटू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। अब वो कस्टमर उस ग्रुप को टारगेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट कर देगा अपना, कोई जो भी उसको प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, तो हमारा क्लासिफिकेशन का मेजर जो टारगेट है, जो मेजर गोल है, वो यही है टू एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, एक्यूरेटली हम प्रिडिक्ट कर सके कि टारगेट क्लास ईच केस में क्या किया गया है। ठीक है, इतने बड़े डेटा में से, इतने सारा ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा में से आपके कस्टमर को एक्चुअली क्या प्रोडक्ट, क्या डेटा एक्सेस करना है,
दैट इज द मेजर गोल ऑफ क्लासिफिकेशन, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना कि सारे के सारे डेटा में से कस्टमर को क्या डेटा एक्सेस करवाना है. और वो हम तभी करवा सकते हैं जब हम अपने डेटा को थोड़े छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ क्लासिफिकेशन मॉडल कैन बी ईजिली आइडेंटिफाई इज टू यूज could be used to identify loan applicant as low, medium or high credit risk. ठीक है, हम अगर मान लीजिए क्लासिफिकेशन मॉडल के अकॉर्डिंग बैंकिंग में अगर हम क्लासिफिकेशन मॉडल प्रिडिक्ट लगाएं तो हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा इस कस्टमर ने इतना इन्वेस्ट किया है, इस कस्टमर ने इतना इन्वेस्ट किया है, इसने इतना ज़्यादा किया है, इसने इतना कम किया है. तो हम प्रिडिक्शन लगा सकते हैं क्लासिफिकेशन में कस्टमर्स में कि अच्छा लो लोन कौन कौन एप्लीकेंट रहेगा, हाई रिस्क फैक्टर है किसी का, कम है किसी का, मॉडरेट रिस्क फैक्टर है, कौन कौन लोन लेने को तैयार होगा, कौन कौन बिल्कुल नहीं लेने वाला, या कौन कौन ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशंस हैं आपके डेटा आइटम्स के. The classification task begins with data set in which the class assignments are known. For example, classification model that predict credit risk could be developed based on observed data or many loan applicants over the period of time. In addition, basically ये पूरा एक example से आपको describe किया है इसमें कि किस तरीके से historical data को study करके हम उस data को अलग अलग categories में distribute कर सकते हैं और आपका जो loan applicant है वो अपने आप को judge कर सकता है कि आपका लोन वो लेगा कि नहीं लेगा. आप उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. इसका एक और एग्जांपल है आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में. देखिए, फॉलोइंग आर द एग्जांपल, अ बैंक लोन ऑफिसर वांट टू एनालाइज द डेटा इन ऑर्डर टू नो विच कस्टमर आर रिस्की और विच आर सेफ. ठीक है, हमने क्या किया, उसके लोन एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग वो जितना इन्वेस्ट कर रहा है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है, ये मान लीजिए 10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ये 5K तक का ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है. तो लोन ऑफिसर पता करना चाहे, अपने डेटा को एनालाइज करना चाहे, उसको एक्सेस करना चाहे कि कौन सा एप्लीकेंट ज्यादा रिस्की है, कौन सा एप्लीकेंट इन्वेस्ट करने के पर्पज से सेफ है. मार्केटिंग मैनेजर एट अ कंपनी नीड्स टू एनालाइज अ कस्टमर विद अ गिवन प्रोफाइल हु विल बाय अ न्यू कंप्यूटर. ठीक है, उसकी प्रोफाइल्स को हमने ग्रुप में बाइफर्गेशंस कर दिया कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स खरीद रहा है ये कस्टमर प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहा. तो मार्केटिंग मैनेजर को अपनी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए आसानी रहेगी. वो सेल्स मैनेजर सिर्फ उसी ऑडियंस को टारगेट करेगा जो उसको लग रहा है कि हाँ ये लोग मैनिपुलेट हो सकते हैं, है ना. कोई भी सेल्स ऑफिसर ऐसे ऑडियंस को ही टारगेट करता है. आप कभी नहीं देखोगे कि कार बेचने के लिए वो गरीब लोगों के पास चला गया, है ना. हमेशा जो कार जिसको सेल करनी है, जिसको बेचनी है, वो हाई प्रोफाइल लोगों के पास ही जाएगा, राइट. ऑडी बीएमडब्ल्यू के लिए वो हाई प्रोफाइल लोगों के पास ही जाएगा जिनको खरीदनी है, क्योंकि उसको पता है कि ये ऑडियंस है मेरी टारगेटेड ऑडियंस. बाकी की मिडिल क्लास या आप लोअर मिडिल क्लास या नीचे पुअर पीपल्स आर नॉट माई टारगेटेड ऑडियंस, राइट. तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन हम अपने डेटा आइटम्स का करते हैं. इसी को ही कहते हैं हम क्लासिफिकेशन, जब हम एक्चुअल डेटा के बेसिस पर अलग अलग प्रिडिक्शंस लगा लें, अलग अलग उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि हमको एज एन ओनर पता चल जाए कि एक्यूरेट रिजल्ट कहाँ पे क्रिएट होने वाला है, कौन से ग्रुप में एक्यूरेट रिजल्ट क्रिएट होगा. ठीक है, सिंपल, राइट. तो दिस वॉज अबाउट क्लासिफिकेशन. आपके क्लासिफिकेशन में कोई एल्गोरिथम नहीं है, कोई टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. सिंपली आप जब डेटा माइनिंग इंजन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो आपको क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करना है क्या होता है, एसोसिएशन एक्सप्लेन करना है क्या होता है. ठीक है, दैट टू इफ नीडेड, राइट. अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द वेरियस एसोसिएशन टेक्निक्स एसोसिएटेड विद इट, तो आप बता सकते हैं सपोर्ट कॉन्फिडेंस किस तरीके से एसोसिएशन किया जाता है. क्लासिफिकेशन में आप इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, कि किस तरीके से, ये एग्जांपल्स के थ्रू और उसकी बेसिक डेफिनेशन के थ्रू. ठीक है, फाइन. क्योंकि यहाँ पे देखो डिटेल में नहीं है, अगर डिटेल में होता ना तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता. आपका सिंपल ब्रीफ में है, तो ब्रीफ में जैसे ही होता है ना कम ज्ञान हानिकारक होता है, तो उसी तरीके का लॉजिक है. कम है, ब्रीफ है, इसलिए पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो सकती. बट स्टिल अगर इसके एल्गोरिथम्स होती तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता. एल्गोरिथम्स होती, इसका पूरा कंसेप्ट होता, लाइक एमएससी में है, राइट. ठीक है, तो आपको सिंपल याद रखना है क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं एंड एसोसिएशंस क्या होते हैं, राइट.
किसी को इसमें किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो बता दीजिए. एनीवन? यस. तो एक्सएमएल फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करता है? देखो, एक्सएमएल स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज. दिस इज क्लियर, राइट? नेक्स्ट कम्स, एक्सएमएल इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, राइट? हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन टेक्निक में अलग अलग जगह पे अपना डेटा स्टोर कर लिया, अलग अलग ग्रुप ग्रुप्स में. अब यू नीड अ प्रॉपर फॉर्मेट फॉर दैट, राइट? आपको एक प्रॉपर टूल की जरूरत है, जिस टूल के हेल्प से हम अपने डेटा को अलग अलग कैटेगरीज में स्टोर करके रखें और अलग अलग कैटेगरीज को स्टोर करके उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म करें, है ना? हमको एक प्रॉपर किसकी जरूरत है, एक प्रॉपर टूल की जरूरत है, एक प्रॉपर डेटाबेस की जरूरत है, जहां पे मैं इस ग्रुपिंग को परफॉर्म कर सकूं एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, और उन ग्रुप्स पे मैं अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूं, ठीक है? तो एग्जाम्पल इज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, सिंपल. डिजाइन टू बी बोथ ह्यूमन एंड मशीन रीडेबल फॉर्मेट, आपके ह्यूमंस भी रीड कर सकते हैं, मशीन्स भी रीड कर सकती हैं, ठीक है? एग्जाम्पल डेटा स्ट्रक्चर्स को आपके मशीन्स भी रीड करती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन एक्सेसिबल डेटा है ये, यहाँ पे आपके मशीन्स भी रीड करती हैं. क्या है, देखो मैं आपको सिंपल इसका लाइव एग्जाम्पल बताती हूँ. मान लीजिए आपकी आप गए हैं अपने कॉलेज की वेबसाइट पर, ठीक है? अब कॉलेज की वेबसाइट तो सबने बनाई देखी है, राइट? आज खुद भी आपने कोई वेबसाइट बनाई होगी, आपने HTML CSS पढ़ा हुआ ही है ना? वेबसाइट आपने बनाई होगी तो उसमें ना इफ यू नो एक नेविगेशन पैनल होता है, राइट? आपने क्या किया कि ठीक है आपकी वेबसाइट पर आ गए हैं, यहाँ पे होम टैब है ना, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, अलग अलग यहाँ पे सिलेबस है, यहाँ पे एडमिशन पैनल है, इसके पास में एक हेल्प टैब है. नॉट ओनली दिस, आप जब होम पे आओगे, या होम पे तो है ही बाय डिफॉल्ट, चलिए अगर आप कॉन्टैक्ट सिलेबस पे ले लेते हैं, अगर आप सिलेबस पैनल पर आएंगे तो ये सिलेबस पैनल एक अलग पेज ओपन करेगा, वेब पेज ओपन करेगा, ये अपने आप में एक वेब पेज है, राइट? इसके बाद जब मैंने सिलेबस पे क्लिक किया तो इसने एक वेब पेज ओपन करा. सिलेबस में भी मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है, BSc IT, BCA, MSc, आप MDS की साइट पे जाओगे सिलेबस पे तो बहुत सारे सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस अवेलेबल होंगे, राइट? हमने मान लीजिए अब BCA पे क्लिक किया, ठीक है? BCA पे मैंने क्लिक किया, अब BCA पे क्लिक करने के बाद अगेन एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें Part 1, Part 2, Part 3 आ गया, ठीक है? अब Part 3 पे जब मैंने क्लिक किया तो फाइनली मुझे क्या मिला, मुझे और अपना जो सिलेबस की PDF थी वो मुझे मिल गई, राइट? तो यू कैन सी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक हायरार्की है ना, यहाँ पे एक वेब पेजेस की हायरार्की है, कि अगर आपने सिलेबस पे क्लिक किया तो ये पेज, इसके बाद इसमें क्लिक किया तो ये पेज. अगर आप सिलेबस पे नहीं करते, आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करते तो आपको एक नया वेब पेज मिलता जिसमें आपको डिटेल्स प्रोवाइड करती, उसमें आपको एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन मिलता, कॉलर्स का ऑप्शन मिलता, कॉलर्स के बाद आपको एक अलग पेज मिलता, एंड सो ऑन, राइट? किसी भी वेबसाइट को तुम विजिट करोगे ना, उसके दी सब ऑप्शंस बहुत होते हैं, है ना? तो ये जो सब ऑप्शंस हैं किसी भी वेबसाइट का, ये जो सब ऑप्शंस का कंटेंट है, ये कहाँ पे स्टोर किया जाता है, XML फाइल में, ठीक है? कहाँ पे स्टोर किया जाता है ये, XML डेटाबेस फाइल में. ये पूरे के पूरे आपके डेटा सेट की हायरार्की को स्टोर करके रखता है, ठीक है? ये क्या स्टोर करके रखता है, आपकी हर एक फील्ड की इंफॉर्मेशन, बेसिकली हर एक फील्ड की हायरार्कियल इंफॉर्मेशन, कि इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये किस पेज पे लेके जाएगा, फिर इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये किस पेज पे लेके जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा है दिस कैन बी डिजाइंड एंड एक्सेस्ड बाय बोथ ह्यूमन एंड मशीन्स, ठीक है? सो ह्यूमंस तो इसको XML डेटाबेस की फाइल्स को तो एक्सेस कर ही सकते हैं, प्लस इसके साथ साथ में मशीन्स भी इसको एक्सेस करती हैं. अब देखो, आपने क्लिक किया है वेबसाइट पर, जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो
अभी तो बेसिक एक्सएमएल सीएसएस में आपने कर लिया, सॉरी एचटीएमएल सीएसएस में कर लिया, जब हम ह्यूज नंबर जैसे इंडेक्स बड़ी वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल भी हमको बनानी पड़ती है, ठीक है। उस एक्सएमएल फाइल में हम इसी हायरार्की को रिप्रेजेंट करते हैं कि इस पेज को क्लिक करने के बाद ये वेब पेज आएगा, इस वेब पेज के बाद इसमें कोई भी आपका हाइपरलिंक है तो उस हाइपरलिंक को क्रिएट करने के बाद ये वेब पेज आया एंड सो ऑन। तो एक्सएमएल पेज ना कंप्यूटर्स की मशीन्स भी आपका यूज में लेती हैं आपकी इस हायरार्की को समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर भी तो आपका जो सर्वर है वो भी तो समझेगा ना कि इस वेब पेज के बाद कौन से वेब पेज को डिस्क्राइब करना है, शो करना है, राइट। तो उसके लिए भी आपके एक्सएमएल वेब पेजेस यूज में लिए जाते हैं, डेटाबेसेस यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने बोला इट इज यूज टू